मैं चलता हूं, देखूं क्या शाकार लिया है ससुर साहब ने मेरे। शाकार जो भी हो, लेकिन करना तुमने वही हो जो मैंने तुम्हें समझाया है, समझ गए ना? बेफिक्र रहे अम्मा, बेफिक्र रहे, मैं चलता हूं। तुम्हें एक दफा फिर सोच लो अरसलान, अब एक गाड़ी के पीछे तुम तलाक याफ्ता लड़की से शादी करोगे? अम्मी कुछ नहीं सोचता आपकी बातें, आपको पता है 1300 सीसी गाड़ी दे रहे हैं, 1300 सीसी कितने की होती है वाला? 35 लाख। 35 लाख? 1-2 लाख की किस्तों पर लिया मामू ने, सारी किस्तें खुद भरेंगे वो, कोई 1-2 लाख की बात नहीं है, पूरे 35 लाख। सोचे। अच्छा तो फिर इस्तेमाल करो ना तुम अपना दिमाग और दुआ करो कि मजहर एक दफा फिर इस गाड़ी को रिजेक्ट कर दे। नहीं लगता वो ऐसे मानेंगे, इस दफा फिर कोई ना कोई नई डिमांड जरूर लगा। हाँ इसीलिए तो ये पख डाली हो। लेकिन आप बिजी हो जाए, मुझे क्या, मैं क्या करता हूँ? इधर उन्होंने करना है इनकार और मैंने मामू को जाके हाँ कह दी, फिर देखना मामू और कोमल हमारे एहसान के तले दब जाएंगे, फिर आखिर मामू का जो कुछ भी है किसका होगा? सोचिए। चलिए मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, और आप मुझसे वादा करें कि आप मेरी बात बहुत तहम्मुल से सुनेंगे। बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बाबा और अदील सब ठीक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा बेटा। माँ मेरे नसीब में तो यही लिखा था, मुझे अपनी नहीं अनमोल की फिक्र हो रही है। आप और बाबा अनमोल के रिश्ते के लिए जल्दबाजी मत कीजिएगा। अनमोल और अदील। अनमोल और अदील क्या मतलब बेटा? अनमोल और अदील एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। क्या ये क्या कह रही हो तुम? माँ अदील अनमोल को बहुत खुश रखेगा, दोनों हमेशा आपके पास रहेंगे। जो कुछ आपको मेरे मामले में सहना पड़ा है सब कुछ नहीं होगा। लेकिन बेटा मैं इस तरह से, ये तुम क्या कह रही हो? अगर मगर कुछ नहीं अम्मा, बस आप वादा करें मुझसे कि आप अनमोल का रिश्ता कहीं और नहीं करेंगी, अनमोल की खुशियां और पापों को किसी हर के हवाले नहीं करेंगी, वादा करें मुझसे।